हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। यहाँ पर शाम के 7 या 7:30 बज रहे होंगे और सभी लोग चले गए थे। अब जो काम करने वाले हैं वो लोग सभी लोग चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्लीनिंग की और क्लीनिंग हो जाने के बाद मैंने तुरंत नहा लिया और हमें जाना है आज डीमार्ट। तो उसके लिए ही मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ और सिंपल सी रेडी होती हूँ। जब भी मुझे सिटी में कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इसी तरह से रेडी होती हूँ, मतलब सिंपल सी ही रेडी होती हूँ। बीबी क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद वाइट टोन पाउडर अप्लाई करती हूँ और ये मस्कारा है मेबलिन का वो अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद जो इंस्टा लाइनर है वो लगाया है मैंने, लैक्मे का इंस्टा लाइनर। उसके बाद मेबलिन का सुपर ब्लैक काजल लगाया है और उसके बाद ये जो लिपस्टिक है वो लगाई है, लैक्मे की 9 to 5 लिप एंड चीक कलर है। और इसमें मैंने शेड अप्लाई किया है प्लम। इसमें से दो शेड है मेरे पास, एक कुछ कोको है और ये एक प्लम शेड है। तो ये दो ही शेड है मेरे पास। जो कोको है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कभी अप्लाई करके, और ये शेड तो मैं डेली ही अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला शेड। तो चलिए, इस तरह से हो गई हूँ मैं डीमार्ट जाने के लिए रेडी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ। तो चलिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप देख सकते हो ये वाला कुर्ता पहना है और ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। आप लोगों को तो पता ही है, काफ़ी दिनों के बाद पहना है ये कुर्ता, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। अनारकली है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बट आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और वैसे भी येल्लो जो है मेरा फेवरेट कलर है और जब भी मैं येल्लो पहनती हूँ आप लोगों को मुझ पर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप लोग ढेर सारे कमेंट कर देते हो कि आप दी अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। तो चलिए, आज बताइए कि कैसे लग रही हो और ये वाला कुर्ता कैसा लग रहा है। तो चलिए जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि और फिर इनसे डांट पड़ने वाली है, नहीं तो मुझे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, 7:15 बज गए हैं और 7:15 बजे हम लोग निकलने वाले हैं अभी। तो ऊपर से फैन भी बंद नहीं किया है मैंने, ऐसी बात करने लगी तो चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ये जो है वो फटी हुई बेडशीट है बट इसका अभी पर्दा बना लिया है। और घर की हालत देखिए, चलिए निकलते हैं। सामान लेना हो गया है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। एक्चुअली ये डिक्की में सामान डाल रहे थे सब, तो इसीलिए हम लोग रुके थे यहाँ पे। तो अद्विक ने हमेशा की तरह बॉल ले ही लिया है, हमेशा बॉल के लिए जिद करता है और दूसरे दिन ही गायब हो जाता है। दूसरे दिन गायब हो जाता है बॉल, पता नहीं कहाँ डाल देता है, फेंक देता है घर के बाहर या क्या करता है, समझ में नहीं आता इसका। हर बार आप कुछ मजाक नहीं करते हो आप, हर बार आपको बॉल दिखता होगा डीमार्ट शॉपिंग में बट कहाँ गुम कर देता है यही पता नहीं चलता। चलिए निकलते हैं घर पे जाने के लिए और मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। ग्रोसरी शॉपिंग हॉल आपको दिखाने वाली हूँ अभी। और दो दिन हो गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करे हुए और ये ऐसे ही सैनिटाइज करने के लिए रख दी थी, तो अभी मैंने सोचा चलो सैनिटाइज तो हो ही गई है सारी चीजें तो आपको दिखा देती हूँ। तो फाइनली आज सारी चीजें लेके बैठ गई हूँ मैं और एक एक करके आपको दिखा देती हूँ सारी चीजें। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारा सामान हो गया है और इस बार की भी शॉपिंग 9.5 से 10 हजार तक हो गई है। हमेशा सोच के जाती हूँ कम शॉपिंग करूंगी बट शॉपिंग कम होती नहीं है। हम लेडीज का तो आपको पता ही है कैसा होता है, तो हम सोच के कुछ और जाते हैं और लेके कुछ और आते हैं, तो इसीलिए
सारी शॉपिंग आपको दिखा देती हूँ पहले। तो सबसे पहला आइटम है ये पापड़। तो हमेशा की तरह ये बड़ा वाला पैकेट लाया है हल्दीराम का, ये बड़ा पैकेट। और आपको हमेशा बोलती हूँ मैं कि मसाला पापड़ की रेसिपी शेयर करूंगी, पिछली बार भी बोला था, बट इस बार डेफिनेटली आपके साथ मसाला पापड़ की रेसिपी शेयर करूंगी जी। ये मसाला पापड़ लाया है और एक पैकेट लाया है। फिर दूसरा ये दो लिज्जट के पापड़ लाया है, छोटे वाले पैक, मतलब छोटे वाले नहीं है ये, एक एक के जी के है। बट हमें इतने ज्यादा पापड़ हम लोग खाते हैं कि आपने देखा भी होगा, मैं जब भी थाली परोसती हूँ बहुत सारे पापड़ रहते हैं थाली में, तो बहुत सारे पापड़ हम लोग खा जाते हैं, बीच में भी पापड़ खाते हैं, तो हमें पापड़ बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए ये 2 kg के पैक लाए हैं, हर महीने रहता है ये। 2 kg के पैक लिज्जत के होते हैं और हल्दीराम का एक बड़ा पैकेट होता है। और फिर ये 3 पैकेट लाए हैं पोहा के, क्योंकि हमें पोहा भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसी वजह से पोहा के भी 3 पैकेट लाए हैं। और ये स्वास्तिक का पोहा है, यही मिलता है डीमार्ट में, तो स्वास्तिक का पोहा है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि अलग अलग आप ये नहीं खाते हो क्या, ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हो क्या, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बट ज्यादातर ना पोहा और उपमा बनता है, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा रहता है कि अलग अलग बनाती हूँ, बट पता नहीं शूट तो करती हूँ मैं अलग, अगर बनाती हूँ तो, बट अलग अलग डेली नहीं बनाती हूँ, ज्यादातर हमारे घर पे पोहा या उपमा ही बनता है। और ये है क्या बोलते हैं इसे, भगर, ये भगर का एक पैकेट है। और ये उड़द दाल है बिना छिलके वाली, तो ये कुछ कितना है, 1.5 kg है। फिर ये रवा है, मतलब सूजी, ये खुला ही लिया है, मतलब लूज वाला। और उसके बाद ये मसूर की दाल है लूज। और फिर ये काजू और बादाम, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। और फिर ये है 1/2 kg की सौ। और फिर ये अजवाइन की पैकेट 2। फिर ये एक जीरा पैकेट है, ये कितने है? हाँ, ये 500 ग्राम का ही है। फिर ये तेज पत्ता भी बहुत काम का है, तेज पत्ता के 2 पैकेट है। और फिर लिया है ये वैनिश, तो वैनिश 1 है। और उसके बाद ये गाला का स्क्रबर है, ये भी खराब ही हो गया था अभी, तो ये दूसरा निकालना है, और वैसे भी दिवाली के टाइम अभी निकालना ही था, दिवाली की शॉपिंग नहीं है ये, बट फिर भी तो ये माचिस लिए है, एक छोटे वाली मैचिस का पैकेट है और एक बड़ा मैच बॉक्स है। दो थे इन्हें यूज के लिए निकाला। अच्छा, ये 2 थे तो ये यूज के लिए निकाल लिया है, क्योंकि खत्म हो गया था पूरा, और वो एक्स्ट्रा लाके रख देते हैं, क्योंकि अद्वीक अगर लेके जाता है ना कहीं पर भी घुमा देता है इसीलिए। फिर ये 2 ब्रश लिए है, एक ये वुड पॉलिश का ब्रश है इनका, ये बहुत ज्यादा जरूरी था इनके लिए। और ये है अपना कपड़े धोने का ब्रश, ये जो ब्रश है ये पहले ना वो यूज करते थे, क्या बोलते हैं, लिक्विड वाला। हाँ। वो तो अभी उन्होंने वो डिब्बी लाई है दूसरी पॉलिश वाली, तो इसीलिए ये ब्रश जरूरी था, ब्रश पहले इनके पास था तो वो कहीं खो गया है सामानों में, तो इसीलिए ये लिया है। फिर ये ब्रश लिया है हेयर कलरिंग के लिए। और ये सेट है एक्चुअली पूरा, 2 ब्रश आता है इसमें और कुछ तो भी आता है, ये कोम है, ब्रश है 2, तो ये सेट है पूरा। उसके बाद ये चिकन मसाला है एवरेस्ट का। और उसके बाद ये चितड़े का गुलाब जामुन पैकेट है, अभी फेस्टिवल आने ही वाले हैं आगे, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ऐसा होता है कि अगर गुलाब जामुन बीच में भी बनाने होते हैं ना, तो फिर याद आता है कि यार गुलाब जामुन बनाने हैं। ये सब्जी में डालने के लिए वो जो टाटा का आता है वो हम लोग ऊपर से खाते हैं, और ये सब्जी में डालने के लिए लाते हैं नमक, क्योंकि सस्ता मिलता है ये। और ये ना क्या बोलते हैं, मेजरिंग कप्स लाए हैं, इस बार माई को बहुत शौक चढ़ा है ना इसका मेकिंग का, इसी वजह से ये मेजरिंग कप्स लाया है, उसको ही दिख गया एक्चुअली ये, तो उसने ले लिया ये। मम्मी ग्रोसरीज ले रही थी मुझे, मैं वो ढूंढ ही रही थी। हाँ, वो। और ये मेरा फेवरेट व्हाइट टोन पाउडर, आपको सभी को पता है। और फिर ये लाया हार्पिक, बड़ा वाला, बड़ा सा हार्पिक लाया है। और फिर ये इसे पता नहीं इसका, इसको क्या कहते हैं, जिप्पी बोलते हैं या गिप्पी बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐड की थी तो मैंने उसमें जिप्पी बोल रहे थे, तो मैं पहले इसे गिप्पी बोलती थी, तो ये हाँ, तो 1 buy 1 get 1 फ्री है ये शायद, नहीं 1 buy 1 get 1 फ्री है ये, हाँ आई थिंक 1 buy 1 get 1 है, कि 1 buy 1 get 1 ही हो गए। तो ये मैंने 2 लिए हैं, 2 में एक लिया होगा तो उस पर 1 फ्री आया है,
तो उसके बाद ये संतूर का हैंड वॉश लिया है क्योंकि बोलते हैं संतूर के हैंड वॉश से हैंड सॉफ्ट रहते हैं इसी वजह से। और फिर ये लिया है, इस बार मुझे बोल एक्चुअली चाहिए था ये लीड वाला क्योंकि माइक्रोवेव में रखते थे तो उसके बाद अगर निकाले तो लीड वाला ये बोल चाहिए था, तो ये सब्जी गर्म करने के लिए एक बोल लिया है मैंने, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, बहुत हल्के से रख रही हूँ उसे मैं। और फिर ये लिए है छाछ पीने के लिए, दो हमारे लिए दोनों के लिए, और कभी कभी बच्चे इसमें दूध भी पी लेंगे तो इसीलिए लिए है। और मैं सोच रही हूँ कि दो और लेके आओ इसका मतलब सेट, अभी दो लिए है फिलहाल, तो ये छाछ पीने के लिए मतलब छाछ कैसा मट्ठा वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, तो खाने के साथ मट्ठा पीने के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे, तो इसीलिए मैंने ये लिए है दो। हाँ तो ये ना हाँ दो ही रह गए थे बस, इसका इसका कलर मुझे यही चाहिए था पिस्ता कलर, बट उस वहाँ पर रेड या पिंक ऐसा कुछ तो भी था, इसी वजह से मैंने लिया नहीं, ये पिस्ता कलर के दो ही मिले तो इसीलिए ये दो लेके आऊंगी और दूसरे। और ये लिया है क्या बोलते हैं इसे किचन रोल्स, तो किचन रोल्स फोर लिया है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हॉटकेस वगैरह में नीचे डालने के लिए। और फिर क्या बोलते हैं ये दिखाओ एक मिनट, ये फिर आशीर्वाद का आटा फिर आटा आटा लिया है ये, अरे बाप रे मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, ये दो लिए है 10-10 kg के, ये दो हम लोग ऐसे लेके आते हैं क्योंकि कभी लाते हैं कभी सामान जब मतलब एक महीने के बाद लाते हैं कभी दो महीने के बाद लाते हैं, तो ऐसे करके फिर इस बार बहुत दिन के बाद मैंने शॉपिंग की है ग्रॉसरी शॉपिंग। अपनी पिछली बार की ग्रॉसरी शॉपिंग देखी कि नहीं जरूर बताना मुझे कमेंट करके, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, वो भी बहुत बड़ा हॉल था, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने से। तो ये है एक पैकेट और 10 kg का, फिर ये और एक ये है 10 kg का आशीर्वाद का, हाँ और ये ऑयल कंटेनर है, तो ये है एक ऑयल कंटेनर, एक बड़ा सा 15 लीटर का ऑयल कंटेनर है, तो ये यहाँ पर रख सकते हो। माय गॉड, उठाए भी नहीं जा रहा है मुझसे, दिखाओ। और अद्विक के टी शर्ट, इस बार मैं आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो मैं डीमार्ट से कोई भी कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डीमार्ट के पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं ज़्यादा, बट इस बार कपड़ों के सेक्शन में हम लोग चले गए और देखने लगे तो थोड़े से पसंद आ गए थे हमें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो सबसे पहले अद्विक की शॉपिंग से दिखाते हैं क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग की है बट की है इस बार कपड़ों की शॉपिंग, नहीं तो कपड़ों की शॉपिंग हम लोग बिल्कुल डिमांड से नहीं करते हैं क्योंकि मुझे क्वालिटी पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आती है वहाँ के, बट इस बार थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे तो इसीलिए हम लोगों ने ले ली। तो ये टी शर्ट है अद्विक का, बहुत अच्छा लगा ये टी शर्ट मुझे तो इसीलिए ले लिया था, और लेने कुछ नहीं गए थे हम लोग मतलब कपड़े लेने नहीं गए थे, ऐसे ही कपड़ों के सेक्शन में चले गए थे तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो ले लेते हैं। ये एक शर्ट है ये लिया है, फिर माही के लिए शॉर्ट्स भी मिल गए थे क्योंकि माही शॉर्ट्स शॉर्ट्स कर रही थी और मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए माही के लिए ये शॉर्ट्स अजीब लगता है दिखाने में ये दूसरा शॉर्ट्स माही का ये डेनिम वाला है, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल है ना एकदम, मतलब एकदम अच्छी नहीं है डेनिम भी नहीं है और ठीक ठाक है। तो ये है टी शर्ट इनके लिए लिए है ये घर पे पहनने के लिए, तो ये पहला टी शर्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कलर, मैंने जबरदस्ती लेने के लिए बोला इनको तो इन्होंने ले लिए, नहीं तो ये कहाँ लेते हैं खुद के लिए कुछ वो चौड़ा मोड़ा। तो फिर ये दूसरा है ये टी शर्ट, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इन दोनों की क्वालिटी सेम है मतलब कपड़ा सेम है इन दोनों का। फिर ये है एक ब्लैक टी शर्ट, ये भी मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने इनको जबरदस्ती इस बार लेने के लिए बोला तो इसीलिए इन्होंने ले लिया। तो ये है एक ब्लैक कलर का, और फिर ये है एक पिस्ता ग्रीन कलर का, तो पिस्ता ग्रीन कलर का ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे जिम वगैरह में नहीं पहनते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कपड़ा। तो ये है और ये बहुत सारे कपड़े हुए हैं, तो ये हो गई इस बार की ग्रॉसरी शॉपिंग। आई होप आपको इस बार का ये ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
उन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।